हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की थोड़ा में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वन प्लस मोबाइल में फ़ोन आता है तो पता नहीं चल पाता, नोटिफिकेशन में नहीं दिखाता है, तो कैसे आप इसे 100% सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर तो लीजिए। गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। फिर आपको यहाँ पर एक सेटिंग खोजना है जिसका नाम रहता है ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप्स, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। आपको इस सेटिंग को खोज लेना है, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब ऊपर की साइड आपको दो डॉट या थ्री डॉट या मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके शो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सर्च बार में क्लिक करके लिखना है फ़ोन। जैसे ही फ़ोन लिखेंगे तो फ़ोन यहाँ पर आ जाएगा, फ़ोन पे क्लिक करना है, स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लियर कैच और क्लियर डेटा, फिर आपको ओके कर देना है, फिर बैक आना है। देखिए, स्टोरेज को क्लियर करना है, फिर फ़ोन कॉल एसएमएस को क्लिक करना है, इस पर स्टोरेज यूजेज यहाँ से क्लियर कैच कर देना है, क्लियर डेटा कर देना है, फिर फ़ोन सर्विसेज पे क्लिक करना है और इसके भी स्टोरेज को यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक आना है। अब देखिए, सर्च बार में फिर से क्लिक करके लिखना है कॉल। जैसे कॉल लिखेंगे तो कॉल मैनेजमेंट नाम का ऐप मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और स्टोरेज पे क्लिक करके इसे भी यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। जैसे इतना आप कर देते हैं, फिर आपको बैक आ जाना है। आप चाहें तो इस सेटिंग पे देखिए, ऐप्स वाले सेटिंग पे सर्च बार में क्लिक करके अगर लिखेंगे ऐप, तो यहाँ पर भी ये सेटिंग आ जाएगी, ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट। नीचे ऊपर आप थोड़ा चेक कर लेना, आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आ सकते हैं और शो सिस्टम करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको इन सभी ऐप को क्लियर डेटा करने के बाद क्या करना है, देखिए मोबाइल के सेटिंग्स में फिर से जाना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम का, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक करना कर लेना है वॉल्यूम आपका फुल है कि नहीं है। अगर फुल नहीं रहेगा तो यहाँ से फुल आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा सब कुछ फुल है। फुल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से रिंगटोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक दूसरी रिंगटोन को सेट कर लेना, चूज कर लेना। दूसरी रिंगटोन को आपको लेना है, क्या पता जो रिंगटोन आप लगाएं इसीलिए नहीं पता चल रहा है, नहीं बज रहा है, तो बज रहा है तभी पता नहीं चल रहा है। अब गाइस, इतना सब कुछ करने के बाद मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर देना है। जैसे आप इतना कर लेते हैं 100% सही हो जाएगा, कॉल आएगा तो पता चलेगा, तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।